नमस्कार साथियों, देखिए साथियों, आज एक कहानी है, छोटी सी कहानी। साथियों कहते हैं कि कहानियाँ व्यक्ति को बहुत ज़्यादा मोटिवेट करती हैं, और आज की कहानी एक राजा की बेटी की शादी होनी थी। बेटी की यह शर्त थी कि जो भी 20 तक की गिनती सुनाएगा वही राजकुमारी का पति बनेगा। गिनती ऐसी होनी चाहिए जिसमें सारा संसार समा जाए। जो यह गिनती नहीं सुना सकेगा उसे 20 कोड़े खाने पड़ेंगे। यह शर्त केवल राजाओं के लिए ही थी। अब एक तरफ राजकुमारी का वरण और दूसरी तरफ कोड़े। एक एक करके राजा महाराजा आए। राजा ने दाऊद का आयोजन भी किया। मिठाई और विभिन्न पकवान तैयार किए गए। पहले सभी दाऊद का आनंद लेते हैं, फिर सभा में राजकुमारी का स्वयंवर शुरू होता है। एक से बढ़कर एक राजा महाराजा आते हैं। सभी गिनती सुनाते हैं जो उन्होंने पढ़ी हुई थी, लेकिन कोई भी ऐसी गिनती नहीं सुना पाया जिससे राजकुमारी संतुष्ट हो सके। अब जो भी आता कोड़े खाकर चला जाता। कुछ राजा तो आगे ही नहीं आए। उनका कहना था कि गिनती तो गिनती होती है, राजकुमारी पागल हो गई है, यह केवल हम सबको पिटवाकर मजे लूट रही है। यह सब नज़ारा देखकर एक हलवाई हंसने लगा। वह कहता है, धूप मरो राजाओं, आप सबको 20 तक की गिनती नहीं आती। यह सुनकर सभी राजा उसे दंड देने के लिए कहने लगे। राजा ने उससे पूछा, क्या तुम गिनती जानते हो? यदि जानते हो तो सुनाओ। हलवाई कहता है, हे राजन, यदि मैंने गिनती सुनाई तो क्या राजकुमारी मुझसे शादी करेगी? क्योंकि मैं आपके बराबर नहीं हूं और यह स्वयंवर भी केवल राजाओं के लिए ही है, तो गिनती सुनाने से मुझे क्या फायदा होगा? पास खड़ी राजकुमारी बोलती है, ठीक है, यदि तुम गिनती सुना सको तो मैं तुमसे शादी करूंगी, और यदि नहीं सुना सके तो तुम्हें मृत्यु दंड दिया जाएगा। सब देख रहे थे कि आज तो हलवाई की मौत तय है। हलवाई को गिनती बोलने के लिए कहा गया। राजा की आज्ञा लेकर हलवाई ने गिनती शुरू की। एक भगवान, दो पक्ष, तीन लोक, चार युग, पांच पांडव, छह शास्त्र, सात वार, आठ खंड, नौ ग्रह, दस दिशा, ग्यारह रुद्र, बारह महीने, तेरह रतन, 14 विद्या, 15 तिथि, 16 श्राद्ध, 17 वनस्पति, 18 पुराण, 19वीं तुम और 20वां मैं। सब लोग हक्के बके रह गए। राजकुमारी हलवाई से शादी कर लेती है। इस गिनती में संसार की सारी वस्तुएं मौजूद हैं। कहने का तात्पर्य यही है साथियों कि कहीं कहीं शिक्षा के अलावा जो आपके पास में तजुर्बा है उससे बड़ा कोई भी नहीं होता है। वह तजुर्बा ही आपको आगे ऊंचाइयों तक ले जाने में सक्षम होता है। तो इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है साथियों। कहानी आपको पसंद आए तो ही लाइक कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो, नए टॉपिक और नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।